आपका मकसद एक सल्तनत का बादशाह बनना था। आप बहुत मेहनत करते हैं और सल्तनत का बादशाह बन भी जाते हैं, पर बादशाह बनने के बाद आपको एक संकेत मिलता है कि आपको एक काम जरूर करना है, और अगर ये काम आपने नहीं किया तो हो सकता है कि सल्तनत आपके हाथ से निकल जाए। पर आप जिद्दी हैं और इतने जिद्दी हैं कि वो काम नहीं करना चाहते, बस आप वो काम नहीं करते और वो सल्तनत आपके हाथ से निकल जाती है। मैं बात कर रहा हूं बिजनेस स्टोरीज में एक ऐसे ब्रांड की जिसने अपनी जिद न छोड़ी और वो फोटोग्राफी जगत का बादशाह बन चुका था, पर एक वक्त ऐसा आया कि उसको सल्तनत तो छोड़नी ही पड़ी पर वो कंप्लीटली बैंकरप्ट बन गया। मैं बात कर रहा हूं कोडैक की। कहते हैं कि 20वीं सदी में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की बादशाह जिस कंपनी को थी उसका नाम था कोडैक। एक दौर था जब सिर्फ मूवी बनाने वाले लोगों के पास कैमरा इक्विपमेंट्स का एक्सेस हुआ करता था। वो कैमरा इक्विपमेंट्स बहुत भारी और भरकम हुआ करते थे, इसलिए नॉर्मल पब्लिक का कभी भी कैमरा से कोई नाता ही न था। फिर कोडैक ऐसा दौर लेके आया जहां पर बहुत अफोर्डेबल रेट्स में बहुत पोर्टेबल कैमरा इक्विपमेंट्स बनाए गए और दुनिया के घर घर तक कैमरा को पहुंचाया कोडैक ने, और ये दिखा दिया दुनिया को कि कैमरा सिर्फ मूवी वालों के लिए नहीं बना बल्कि दुनिया के हर घर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोडैक ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जगत में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए थे जिनको पूरी दुनिया ने स्वीकारा, पर प्रोडक्ट के साथ साथ मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी कोडैक का कोई जवाब नहीं था। कहा जाता है कि 1968 तक फोटोग्राफी जगत का 80% मार्केट शेयर कोडैक के पास आ चुका था। विश्व भर में 80% का ग्लोबल मार्केट शेयर होना एक बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है 80% मार्केट शेयर अपने नाम करने के पीछे कोडैक ने रेजर एंड ब्लेड बिजनेस प्लान का इस्तेमाल किया था। अब ये रेजर एंड ब्लेड बिजनेस प्लान क्या है, आइए इसको समझते हैं। रेजर्स एंड ब्लेड्स बिजनेस प्लान एक बहुत ही इफेक्टिव बिजनेस प्लान है जहां पर रेजर बनाने वाली कंपनी रेजर्स को तो मार्केट में बहुत सस्ते और अफोर्डेबल रेट्स में बेचती है जहां पर प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम रहता है, पर बाद में जब ब्लेड खरीदने की बारी आती है तो कस्टमर को एक मोटा दाम देना पड़ता है। मतलब ब्लेड के थ्रू ही जितनी प्रॉफिट मार्जिन्स है वही निकाली जाती है। बिल्कुल यही काम किया कोडैक ने भी, अपनी कैमरास को बहुत सस्ता रखा, पर जब बात हुई प्रिंटिंग मटेरियल की, फिल्म्स की और एसेसरीज की, उनको बहुत महंगा रखा। तो कैमरा तो दुनिया में हर जगह पहुंच गया, बाद में जब फिल्म की बारी आती थी तो कस्टमर्स को महंगा दाम देना पड़ता था। इस स्ट्रेटजी के बलबूते पे पूरे के पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया कोडैक। कहते हैं कि कामयाबी आपको नाम और शोहरत जरूर दे देती है पर आपकी सोच पे ताला भी लगा लेती है। बिल्कुल ही ऐसा हुआ कोडैक के साथ भी। कोडैक ने हमेशा समझा कि रेजर एंड ब्लेड स्ट्रेटजी के बलबूते पे वो हमेशा अपनी सल्तनत का बादशाह बना रहेगा, पर वो दौर खत्म हो चुका था। फिल्म्स की और प्रिंटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट वर्ल्ड को अब न थी क्योंकि डिजिटल कैमरा का दौर आ गया था। लोगों को जानकर ये हैरानगी होती है कि जिस डिजिटल कैमरा ने कोडैक जितनी बड़ी कंपनी का अंत किया, उस डिजिटल कैमरा के आविष्कार के पीछे भी एक कोडैक के एम्प्लॉय का ही हाथ था। जी हाँ, स्टीवन सेसन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पद पर कोडैक कंपनी में काम कर रहे थे और उन्होंने ही डिजिटल कैमरा का आविष्कार किया था। और यही बात जब उन्होंने अपने बॉसेस को बताई तो उन्होंने इस बात को दबाना चाहा। इनफैक्ट स्टीवन सेसन को यहां तक कह डाला कि आप ये बात अपने तक ही रखिएगा, इसे कहते हैं अपने पांव पे बहुत जोर से कुल्हाड़ी देना। कहते हैं कि कोडैक ये कबूल ही नहीं कर पाया कि डिजिटल कैमरा एक नई टेक्नोलॉजी के फॉर्म में आ चुका है, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसने जो रेजर एंड ब्लेड स्ट्रेटजी चली थी
उसमें उसने बहुत सारा प्रोडक्शन का डाला था फिल्म्स का, जिसकी वजह से उसकी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती और एक साथ बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता था कोडैक। कोडैक की इस बड़ी गलती का फायदा उठा रही थी एक जापान की कंपनी फूजी फिल्म्स, जो कि लोगों तक डिजिटल कैमरा का प्रयोग पहुंचा रही थी। इनफैक्ट कोडैक फूजी फिल्म्स से 10 साल तक उलझता रहा और लोगों को बस यही बात कहता रहा कि डिजिटल कैमरा किसी काम का नहीं है और फिल्म कोटिंग वाले कैमरास या फिल्म वाले कैमरास बहुत अच्छे होते हैं। और हमेशा कोडैक को ऐसा लगता रहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर वाली कोई कंपनी, क्योंकि फूजी फिल्म्स जापान की कंपनी थी, आकर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपने कैमरा नहीं बेच सकती। बस यहाँ पे मार खा गया कोडैक। कोडैक के अंत के पीछे दो बड़े कारण थे। सबसे पहला कारण, अगर कोई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सेकंड, अगर हम जिद पे अड़े रहे और ये सोचा कि जो चीज हमारे लिए पहले काम की थी वो अब भी करेगी, तो हम बिल्कुल नीचे गिरेंगे। इस पर्टिकुलर स्टडी से हमें एक बहुत बड़ी लाइफ की सीख मिलती है कि जिद शायद हमें कहीं ना लेके जाए। अगली बिजनेस स्टोरी में हम बात करेंगे किसी और कंपनी के बारे में जो हमको बिजनेस और लाइफ के रिलेशन में कुछ बड़ा सिखा गई। टिल देन, थैंक यू। सब्सक्राइब सुपरग्रेट्स यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। लाइक दिस वीडियो इफ यू हैव रियली लाइक्ड इट फ्रॉम द हार्ट।